एहराम है जोर्डान। जा रहे हैं क्लॉक टावर, ये हम दबा देंगे। आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने मक्का सिटी को, तो पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। आज हम अपने होटल से घूमते हुए आए हैं हरम, देखते हैं कैसा है हरम तक का। वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत है इसी की दुनिया में। आपका बच्चों के लिए अलहमदुल्लम सब ठीक है, तो नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में भेजना ना बोले तो। वेलकम बैक टू द मकाज ब्लॉग। आज सेवंथ डे है हमारा, सेवन डे है, सिक्स डे है आज, तो भूल जाती हूँ। 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डे हो चुका है, दिन ऐसे भाग रहे हैं कि बस भाग रहे हैं। तो हमने सोचा आज एक्सप्लोर करते हैं, पैदल वॉक करके मक्का और हरम तक पहुँच ही जाएंगे। तो आप भी हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इंतज़ार करते रहिए बड़े बड़े व्लॉग को, और व्लॉग्स को आप दे रहे हो खूब सारा प्यार और ऐसे ही देते रहना। जगह है ये है हरम, इधर है जद्दा, अल मदीना इधर है और अल अजीजिया मुन्ना इधर है। ऐसी मार्केट्स वगैरह जमजम है, जमजम खरीदना पड़ता है, यहाँ पीने के नहीं पी सकते लेकिन ले जाने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। ये जोहर का वक्त है, यहाँ पे धूप ज़्यादा है जोहर में, और दिल्ली में तो खूब ठंड पड़ रही है, सब बता रहे हैं घर में फैमिली में। ना ज़्यादातर शॉप्स ऐसे बंद हो जाती हैं जोहर के नमाज के टाइम पे, शटर डाउन करते हैं, नमाज को निकल जाते हैं, लॉक वॉक नहीं करते। तो काफ़ी ऐसी शॉप्स हैं मैंने देखी हैं नमाज के टाइम बिल्कुल बंद, और वो कहते हैं खलास, मतलब जाओ नमाज पढ़कर फिर आना। माशाल्लाह से हाजी आ रहे हैं काफ़ी, बच्चों को भी भूख लग रही है, दोपहर में हमने लंच भी करना था तो हम यहीं आए खाने के लिए। ये जो है ये है इब्राहिम अल खलील रोड, यहाँ से ही पार करते ही हरम आ जाता है। पैदल अगर हो तो यहाँ से मतलब मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस होगा 5-6 मिनट का हरम तक। वैसे कबूतर चौक आगे में कबूतर का चौक बोल से, मतलब कबूतर चौक के नाम से उसे जाना जाता है। यहाँ फ्री मेडिसिन मिलती है इस जगह पर, बिजी रोड है ये इब्राहिम अल खलील रोड। होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, आगे हिजरा रोड है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी सब शॉपिंग के आइटम्स हैं, ज़्यादातर जानमाज़ें बहुत मिलती हैं ना यहाँ पे, जानमाज़ें इसका। हम लोग आ गए थे और हमने असर की नमाज अदा कर ली, हस्बैंड उधर है, मैं इधर हूँ, क्योंकि लेडीज अलग पड़ती हैं जेंट्स अलग पड़ते हैं। तो अभी हस्बैंड उधर है, बच्चे उधर हैं, एकदम से यहाँ रश ऐसे हो जाता है, जहाँ जगह मिले वहीं नमाज अदा करनी पड़ती है। इंतजार कर रही हूँ और हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ इधर है, वैसे सारे ही टिन हुए हैं तो ना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, सारे गंजे न जाते हैं, लगता है उधर हुए उधर हुए, मिलने बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मगरिब की नमाज के लिए मैं मताब नहीं आ गई, हस्बैंड जो है वो जेंट्स की जगह पे हैं और वो एहराम के बगैर आ नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। और नमाज मगरिब की माशाल्लाह बिल्कुल खाना काबे के सामने पड़ गया आज इंशाल्लाह। Mm-hmm.
नमाज पढ़ने गए थे लेकिन हम ना अलग हो गए हैं। बहुत मुश्किल से ढूंढ पाई हूँ मैं, ढूंढने ही नहीं आ रहा। मेरे गेट वेट सारी यहाँ एक से है ना, तो दिक्कत हो गई है। मैं जगह भूल गई, घंटे से भटक रही हूँ। हस्बैंड को कॉल पे कॉल कर रही हूँ, अब जाके बाहर निकली हूँ। अल्लाह करे मिल जाए, बस टेंशन हो जाती है। अलग हो जाओ तो थोड़ा बता रहे हैं, वो केएफसी के पास है। केएफसी हो रहा, लेट्स सी, अब ढूंढती हूँ मैं उन्हें। आपको नजर आ रहे हैं क्या? दिक्कत वहाँ पर है। बोरे बोरे बोरे, अल्लाह तेरे शुक्र है मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो लगा मैंने खो दिया आपको। डर गए माशाल्लाह से अच्छा रहा, लेकिन मैं डर गई थी। अभी फिलहाल के नहीं है, मुझे लगा मैं खो जाऊँ। मेरे को सारे उनने गेट इतने सारे और वो उल्टे उल्टे गेट पे निकाल दिया था, मैं डर गई बुरी वाली। जब आप हरम के अंदर हो, अंदर मताफ में हो, खाने काबा के पास हो, जाग के देखो क्लॉक टावर कहाँ दिख रहा है। जहाँ जिस मैं जहाँ से आई थी मैंने अपना वो बना रखा था। ऐसे भूल जाता आदमी, जहाँ से आया वापस वहीं से निकल जाओ, भूल जाएगा। हाँ, तो भी सो गई। चलो, आप लोग ने पढ़ ली थी नमाज? नमाज पढ़ ली थी? पढ़ी। चलो, हमने तो सामने पढ़ी हरम के। चलो चलते, अंदर ऊपर था। आज हम जा रहे हैं क्लॉक टावर, काफी दिनों से सोचे थे पर जा नहीं पा रहे थे नमाज वमाज के टाइम की वजह से। लेकिन आज चलो इसको भी देख लेते हैं, इससे भी मिल लेते हैं थोड़ा सा। चले, एंट्री है, ब्यूटीफुल। आदि ये देखो, हाजी, हाजी को कोई हाजी समझ नहीं रहा, इनको सब पाकिस्तानी समझ रहे। अल्लाह हबीबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस इज क्लॉक टावर जो बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे। पहले एक यही हुआ करता था, अब तो बहुत सारे खुल गए हैं मॉल। ये जो है ना काफी बड़ा मॉल है, देख सकते हो। मतलब हम एक दिन में तो इसे घूम सकते नहीं है, और समझो ये हमारा सिटी वॉक के तीन या चार मॉल मिला के ये एक मॉल है। सिटी वॉक जो दिल्ली के अंदर है, साकेत के अंदर इसका। और यहाँ पे शॉप्स जो है ना बड़ी प्यारी प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह से। मतलब लाइक मुझे ना कपड़ों से ज्यादा, चीजों से ज्यादा ना शॉप्स अच्छी लग रही है। ओ भाई, और लेफ्ट पे देखो कितनी लाइन है, रश। और ये वाली देखो जरा कितनी प्यारी शॉप है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक। यहाँ पे जो है ऐसा डेजर्ट शॉप है, बहुत अच्छे अच्छे मिलता है यहाँ पे, मुझे ये पसंद आ रहा है। ये देखो चॉकलेट फ्लेवर्स, मैंने ये वाला लेना है, मैंने बोला हस्बैंड से ट्राई करना। परफ्यूम और ज्वेलरी से लेना, और वाला कैफे बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, मिलियार कैफे है ना, खूबसूरत लग रहा है ना, कितना मिलियार के अच्छे। बट यहाँ ना तो कॉफी भी, तो वो भी बहुत ही रिच ही सेट, जरा सही को ऐसे प्यारे प्यारे सेट्स हैं। ओ एम जी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये वाला ले लें ये, या फिर ये रियल डायमंड्स हैं? नहीं नहीं, फैंड्रा रियल डायमंड्स, नो डायमंड्स। ये चीज मैंने नहीं देखी, एहराम है जोर्डानो का। आप देख सकते हो कि मतलब ब्रांड का एहराम माशाल्लाह। ये मुझे थोड़ी यूनिक चीज लगी। आप लोग भी चाहो तो जोर्डानो का एहराम लेना यहीं से इंशाल्लाह। हाँ,
चले नमाज के लिए लेट हो रहे हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों को मन करा है झूला वूला झूलने का, हम यही पार्क में आ गए थे। मूसा कहाँ गया? मूसा हाँ बिठाओ, मैं बिठाती। हेलो गाइस, आज का व्लॉग आज हम एंड करते हैं। बाय 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 बाय। रुक जाओ, अम्मा बनो, अम्मा जल्दी करो। हेलो गाइस, आज मैं ब्लॉग करते बाय से फ्लैग। बाय बाय।